कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं अजय सिंह लोहे बाजार की जानकारी के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। मार्केट का ट्रेंड, मार्केट की हलचल, मार्केट में किस तरीके से मंडी गोविंदगढ़ एमएस सिंगट के भाव रहे, एमएस स्क्रैप के भाव की जानकारी, कास्ट आयरन का भाव क्या रहा, साथ ही साथ मंडी गोविंदगढ़ में टोका इम्पोर्टेड कास्ट आयरन का भाव, एचआरसी सीआरसी कॉइल की स्थिति और मार्केट के मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के साथ साथ सरिये बाजार में आपको कहां खरीदारी करनी चाहिए, कहां पर बिकवाली करनी चाहिए, इसकी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। और आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आप अगर जानना चाहते हैं तो मॉर्निंग 9:30 का आप शो जरूर ज्वाइन करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 9:30 लाइव करके मिल जाएगा। चलिए बात करेंगे लोहे बाजार में। तो लोहे बाजार में बाजारों में देखा जा रहा है, बाजारों में अभी इधर सुस्त कारोबार देखा जा रहा है। कल भी बाजारों में 200 रुपए की बाजारों में रेंज देखी गई। बाजार अगर बात करी जाए तो एमएस सिंगट का बाजार 49,700 रुपए से 800 रुपए जाने के बाद जो बाजार बंद हुआ 49,500 रुपए पे, एक दिन पहले जो बाजार बंद हुआ था फ्लैट ही बाजार बंद हुआ। एमएस स्क्रैप का भाव 38,500 रुपए हो गया। एमएस सिंगट ओल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट 11,000 रुपए कामकाज हुआ। तो बाजारों में आप देख रहे हैं लगातार, आप जो देख रहे हैं कि जो बजट की वजह से भारतीय बाजारों में उसका असर देखने को मिल रहा है। जो लोग अपना स्टॉक अपनी जरूरत के हिसाब से जो बना रखा था उसको भी हल्का कर रहे हैं, क्योंकि बजट में काफी उथल पुथल होने की संभावना बाजारों में नजर आ रही है। तो बाजारों में आप लोगों से भी सलाह है कि बजट तक आप लोग अपनी जरूरत के अनुसार खरीदारी करेंगे और ऊपरी स्तर पर अगर बाजार कहीं पर आता है तो वहां पर मुनाफे। मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। वहां पर मुनाफे वसूली 50,000 से 50,500 रुपए के आसपास मुनाफा वसूली जरूर करके चलिए। चलिए जानेंगे कास्ट आयरन की स्थिति क्या है। मंडी गोविंदगढ़ में टोका का भाव 42,000 रुपए रहा। इंपोर्टेड कास्ट आयरन का भाव 43,000 रुपए पे स्थिर बना हुआ है। एचआरसी सीआरसी कॉइल की बात कर लेते हैं। लुधियाना एचआरसी कॉइल का भाव 57,000 रुपए, सीआरसी कॉइल का भाव 62,500 रुपए, गाजियाबाद एचआरसी कॉइल का भाव 58,000 रुपए, सीआरसी कॉइल का भाव 66,000 रुपए, कोलकाता एचआरसी सीट का भाव 55,800 रुपए, सीआरसी कॉइल का भाव 62,800 रुपए रहा। चलिए जानेंगे रायपुर एचबी वायर की क्या स्थिति है। रायपुर एचबी वायर का भाव 54,100 रुपए, जीआई वायर का भाव 57,800 रुपए, इसमें मामूली बढ़त दर्ज करी गई। एमएस पाइप की अगर बात करेंगे तो गोविंदगढ़ पाइप का भाव 53,000 रुपए, इसमें भी 200 रुपए प्रति टन की बढ़त दर्ज करी गई। रायपुर पाइप का भाव 52,200 रुपए हो गया। चलिए अब जानेंगे टीएमटी की क्या स्थिति है। मंडी गोविंदगढ़ टीएमटी का भाव 54,200 रुपए रहा। दुर्गापुर का भाव 52,000 रुपए, इंदौर का भाव 55,300 रुपए, रायपुर का भाव 52,500 रुपए, जयपुर का भाव 55,000 रुपए, मुजफ्फरनगर का भाव 53,800 रुपए, भावनगर का भाव 56,000 रुपए, गाजियाबाद का भाव 53,700 रुपए रहा, जलना का भाव 56,900 रुपए, पटना का भाव 53,300 रुपए। सभी टीएमटी के भाव में 200 से 300 रुपए प्रति टन की मामूली बढ़त के साथ बाजारों में कामकाज हुआ। जैसे कि आप लोगों को बताया भी था कि बाजार में अगर 53,500 रुपए के आसपास टीएमटी का बाजार आपको मंडी गोविंदगढ़ का मिलता है तो वहां पर आप खरीदारी करिए। दुर्गापुर में आपको खरीदारी करनी है, 51,000 रुपए का लेवल अच्छा है। रायपुर का लेवल भी आप खरीदिए, 51,500 रुपए के आसपास आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर जलना में आपको खरीदारी करनी है तो 55,000 रुपए के आसपास, 55,500 रुपए के आसपास आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए आज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जानेंगे। मंडी गोविंदगढ़ में आज का सपोर्ट का लेवल 48,800 रुपए का, रेजिस्टेंस का लेवल 50,100 रुपए का। इसी तरीके पुराने लोहे का सपोर्ट का लेवल 37,800 रुपए का, रेजिस्टेंस का लेवल 39,100 रुपए का। तो वरिष्ठ जानकारों के अनुसार इस समय लोहे बाजार में आप जरूरत के हिसाब से खरीदारी करिए। बहुत ज्यादा बाजारों में अभी फिलहाल तेजी के आसार नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि चाइना का बाजार भी बंद है। तो चाइना का बाजार बंद होने की वजह से बाजारों में बहुत ज्यादा उथल पुथल भी नहीं दिखाई देने की संभावना नजर आ रही है। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।